तो सबसे पहले जो अपने अपने पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेने, देन उसके बाद जो आपने आ जाना 3 डॉट में, और यहाँ से आपने आ जाना इमेज साइज में। इमेज साइज में आने के बाद जो आपने यहाँ से कस्टम से आ जाना है यूट्यूब थंबनेल पे। ओके, ये लेने के बाद जो आपने सिंपली बैकग्राउंड के कलर में आ जाना है, और यहाँ से आपने आ जाना है नीचे। आप देख सकते हो मैंने कुछ इस तरह से इसका कलर जो सेट करके रखा हुआ है। तो सिंपली आपने प्लस वाले आइकन में आ जाना है, और यहाँ से आपने इसका कलर जो कुछ इस तरह से सेट करना है। एक साइड में जो आपने लेना है डार्क ब्लू, दूसरी साइड थोड़ा लाइट, और उसके बाद बिल्कुल ही लाइट वाला। ओके, तो कलर आपने सिंपली यहाँ से चूज़ कर लेना है, और उसके बाद जो आपने लेयर यहाँ से प्लस करनी है, और उसके नीचे आपको माइनस वाला ऑप्शन दिख जाएगा, तो यहाँ से आपने सिंपली प्लस माइनस कर लेनी है। तो इसको यहाँ से हम ओके करते हैं। देन उसके बाद जो आपने टेक्स्ट में आ जाना है, और जो भी आपका नेम है वो आपने यहाँ पे एडिट करना है। ओके, उसके बाद जो आपने इसके फ़ोन में आ जाना है, तो इसका फ़ोन यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फ़ोन है ब्लैक टू ब्लैक डेमो, तो सिंपली आपने ये जो डाउनलोड कर देना है, कोई और फ़ोन भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद जो आपने इसकी यहाँ से कलर में आ जाना है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से कलर जो मैंने इसके सेट किए प्लस आइकन में आके, एक साइड में आपने येलो कलर लेना है, दूसरी साइड में ऑरेंज कलर। ओके, तो इसको यहाँ से ओके करते हैं। देन उसके बाद जो आपने आ जाना है इसकी यहाँ से रिलेटिव पोजीशन में आके, इसको बिल्कुल इस तरह से सेंटर में कर लेना है आपने। देन उसके बाद जो आपने आ जाना है 3D टेक्स्ट में, तो यहाँ पे आने के बाद जो आपने सिंपली इसको ऑन करना है, और इसको जो आपने यहाँ से नीचे वाले ऑप्शन पे ले आना है। उसके बाद जो आपने इसका ये जो होगा 10 से इसको 1 पे कर लेना है कुछ इस तरह से। देन उसके बाद जो आपने इसके एंगल में आ जाना है, तो इसको आपने कर लेना है 318 पे। ओके, तो इसको 318 पे कुछ इस तरह से आपने सेट करना है। देन उसके बाद जो आपने नीचे आ जाना है, और उसकी जो लाइट का एंगल होगा इसको आपने कर लेना है 276 पे। ओके, ये हो गया 276 पे इसका लाइट का एंगल, और इसका जो ये ऊपर वाला है इसको 318 पे सेट करके ओके करना है आपने। देन इसके बाद आपने इसकी एक कॉपी कर लेनी है यहाँ से, और उसके बाद अगेन आपने आ जाना है कलर में। तो यहाँ पे आपने कोई सा भी एक कलर जो चूज करना है, यहाँ पे मैं सिंपली रेड कलर जो है फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। तो ये लेने के बाद जो आपने इसको सिंपली ओके करना है। देन उसके बाद जो अगेन आपने आ जाना है 3D टैक्स में। ओके, यहाँ पे आने के बाद जो आपने इस बार जो इसका जो 0 पे किया था आपने 1 पे, इसको सिंपली आपने 3 पे कर लेना है। ओके, जस्ट आपने इसको 3 पे करना है, और उसको यहाँ से आपने ओके कर लेना है। देन उसके बाद जो आपने इसकी स्ट्रोक में आ जाना है, और इसकी स्ट्रोक को आपने ऑन कर लेना है, और इसका जो साइज़ होगा आपने 4 से 5 पे कर लेना है, और इसमें जो कलर होगा आपने सेम रेड कलर जो है यहाँ पे ले लेना है। ओके, तो ये लेने के बाद जो आपने अगेन जो यहाँ से आ जाना है रिलेटिव पोजीशन में, तो उसको भी आपने इसकी जो पोजीशन होगी बिल्कुल इस तरह से सेंटर में कर लेनी है। ओके, देन उसके बाद आपने इस लेयर को 2 बैक पे कर लेना है कुछ इस तरह से। ओके, अगेन जो उसके बाद आपने ऊपर वाली लेयर में आ जाना है, और यहाँ से पोजीशन में आके आपने इसको थोड़ा जो लेफ्ट साइड में इसको थोड़ा जो कर लेना है कुछ इस तरह से, थोड़ा लेफ्ट साइड में और थोड़ा जो ऊपर की साइड में। तो यहाँ पे इसकी स्ट्रोक भी मैं 5 पे कर लेता हूँ। उसके बाद जो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ आपने किस तरह से इसको जो सेट कर लेने। तो कुछ इस तरह से आपने जो इसकी जो नीचे वाली लेयर होगी इसको आपने राइट साइड में थोड़ा सा निकाल लेना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ तक जो टेक्स्ट बिल्कुल रेडी है। उसके बाद जो आपने नीचे वाली लेयर में आ जाना है, और यहाँ से आपने आ जाना है शेडो में। तो इसमें आपने सिंपली शेडो लगाना है, जो कि 3D टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है लगाना। ओके, तो उसके बाद जो आपने इसको ब्लर होगा इसको 5 पे कर लेना है, और इसके जो ऑफसेट एक्स वाई होगा इसको आपने 1-1 पे कर लेना है कुछ इस तरह से। इसको यहाँ से ओके करते हैं। यहाँ तक जो हमारा टेक्स्ट है बिल्कुल आप देख तो रेडी है। उसके बाद मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, और कलर में आके इसका जो कलर होगा मैं बिल्कुल इस तरह से ऑफ कर लेता हूँ
इसको ट्रांसपेरेंट कर लेना है आपने, ओके। देन उसके बाद जो आपने इसकी स्ट्रोक में आ जाने तो उसको ऑन करने, इसका जो साइज होगा इसको वन पे कर लेना है आपने, और उसका कलर जो होगा वो आपने वाइट कर लेना है, ओके। देन उसके बाद जो आपने इसकी ओपेसिटी में आ जाना है तो इसकी ओपेसिटी जो होगी आपने 50-40 पे कर लेनी है, और इसका साइज जो होगा मैं कुछ इस तरह से थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ, और इसको जो कुछ इस तरह से मैं सेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद जो इस लेयर को जो आपने बिल्कुल बेक पे ले जाना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे जो टेक्स है तकरीबन जो रेडी टू के, आप इसको इस तरह भी सेव कर सकते हैं, और अगर आप इसमें थोड़ा और अच्छा लुक लाना चाहते हैं तो आपने इनर शेडो में आ जाना है, ओके। इसको आपने ऑन कर लेना है, इसका कलर जो होगा आपने वाइट कर लेना है, और इसका जो ब्लर रेडियस होगा इसको आपने 3 पे सेट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो टेक्स है इसके अंदर एक इनर ग्लो टाइप का लुक आ जाएगा। तो इसको यहाँ से सिंपली मैं शेयर कर लेता हूँ, और इसको आपने कस्टम से अल्ट्रा पे करके सेव टू गैलरी कर लेना है। देन उसके बाद जो हम देखते हैं हमारा टेक्स्ट जो गैलरी में जा चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट जो है बिल्कुल रेडी है। उसके अलावा जो आपको मैं विदाउट इनर ग्लो के भी दिखा देता हूँ, तो ये है विदाउट इनर ग्लो के। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।